मैं डॉक्टर अमन आजब का सबका स्वागत करता हूँ हमारे सर्वाइवर सीरीज में, जिसमें आज हम हमारे दो कोरोना वॉरियर्स, कोरोना सर्वाइवर्स से बात करेंगे। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, और बहुत नमस्ते। खुशी कि आप लोग स्वस्थ होके वापस आए। सो आइए थोड़ा शेयर करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस और व्यूज़, ताकि जो बाहर लोग हैं जो बेफिक्र घूम रहे हैं कि कुछ होगा नहीं, बीमारी फर्जी है, ऐसी है, हुआ है, इनको थोड़ा सा बताएं इस बीमारी के बारे में। सो आइए पहले आपसे एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। कब आपको पता चला कि कोविड पॉजिटिव हैं आप? सबसे पहले नमस्ते सबको, आपको भी नमस्ते। मैं 13 तारीख की शाम को मुझे पता चला कि मुझे कोरोना है और मेरा टेस्ट किया गया, तो वो मेरा टेस्ट जो है पॉजिटिव आया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और एडमिशन होने के बाद वहाँ का जो रख रखाव था, वहाँ की जो व्यवस्था थी मेरे लिए, वहाँ का जो स्टाफ का सपोर्ट था वो बहुत अच्छा था। और वहाँ पे जब मुझे ये पता चला तो मैं वैसे उतना ज़्यादा परेशान नहीं हुई, क्योंकि ये सब हमारे हमारे इन्वायरमेंट में ही चल रहा है सारी जी चीज़ें, जी तो मैं उतनी परेशान नहीं हूँ। बट थोड़ा सा टेंशन था कि मैं कोविड पॉजिटिव आ गई हूँ, और मुझे कोई सिम्टम्स ऐसे कुछ थे नहीं। जैसा बोलते हैं सर्दी खांसी बुखार, कुछ था आपको नहीं ऐसा? नहीं कुछ नहीं था मुझे, कुछ तो होगा, मतलब कि आपको। बस मुझे याद है कि मुझे 3-4 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, उसके बाद मुझे सूंघने में और खाने में मुझे पता नहीं चलता था। टेस्ट का थोड़ा, वो जो बोलते टेस्ट और स्मेल है, वो जी दोनों चीज़ें थोड़ी सी अल्टर्ड होती, जी और सूंघने के टाइम ऐसा लगता है कि कुछ स्मेल और जो टेस्ट की जो बात बोलते हैं वो सही है। बाकी ओके, मुझे बुखार और सर्दी खांसी ये सारी चीज़ें नहीं थी, और ठीक है। हॉस्पिटल में मुझे बहुत अच्छे से रखा गया। वहाँ मुझे 10 दिन रखा गया। दस ठीक है, दिन के बाद वो जो मेडिसिन्स होती हैं, विटामिन सी और बीकोजिंग, वो ओके, ठीक दिया गया। है। और उसके बाद मतलब हर हर टाइम टाइम टू टाइम मेरे वाइटल्स चेक होते थे। तो जैसे आप अस्पताल से घर आए, तो क्या आप बेधड़क बेखौफ मास्क घूम लेके घूम रहे थे, मास्क उतार के घूम रहे थे? क्या चेंज आया लाइफ हाँ में इससे? नहीं, डिस्चार्ज के पहले हमको बताया गया कि आपको 7 दिन, और हॉस्पिटल के बाद भी आपको घर में 7 दिन रहना है, ओके, होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन ओके रहना है। फिर उसके बाद 7 दिन और हम लोग यहाँ रहे, तो हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया, और जो भी हमारी सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, ब्लीचिंग पाउडर से हम लोगों ने सॉल्यूशन बना के अपने कपड़े, अपने घर, ये सारे को सैनिटाइज किया। ओके कहीं और उसके बाद हम लोग 7 दिन तक घर ही में थे, मास्क बाहर नहीं पहन गए के आप लोग? कहीं नहीं, और घर पे भी मास्क लगा के, जैसे हॉस्पिटल में हम लोग को बताया गया था, गाइडलाइंस दी गई थी, वो पूरा फॉलो किया हम लोगों ने। ओके, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, कब पता चला आपको कि कोविड पॉजिटिव है आप? जब रैपिड टेस्ट लिया गया हमारा, ओके तो उसके कुछ 15 मिनट्स लगते हैं उसमें कंप्लीट होने में, और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो थोड़ा नर्वस थी और डरी भी हुई थी बहुत ज़्यादा, बट फिर धीरे धीरे नॉर्मल, क्योंकि उतना डरने वाली बात नहीं है। नहीं, पर डर ऑब्वियस लगा किस चीज़ का आपको? डर इस चीज़ का था क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं है, और ना ही कभी, मतलब मैं बहुत फिट एंड फाइन रहती हूँ, तो मैं कभी हॉस्पिटल का कुछ आइडिया नहीं है, तो उस हिसाब से डर था तो एक। आपको कुछ सिम्टम्स थे, कोई लक्षण थे जैसे मैम को थे? नहीं, मुझे बस 2-3 दिन बाद फीवर थोड़ा अप डाउन हो रहा था बस। बस फीवर आया, बाकी ऐसा सर्दी खांसी बॉडी एक ऐसा कुछ, नहीं टेस्ट जैसे इनका ऑल्टर हुआ मुंह का और ये सब? टेस्ट, हाँ टेस्ट बड्स पूरे ख़राब हो चुके थे, क्योंकि रेगुलर हम लोग मेडिसिंस वगैरह हमारे चल रहे थे उसके कारण। ओके तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब शुरू के डे दिन में डर लगा कि नहीं बचेंगे या लाइक ठीक नहीं होएंगे, कैसा था मतलब? नहीं, मेरे हिसाब से कि सारे लोगों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सोसाइटी में सारे को होने के भी हैं और हो सकते हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सावधानियाँ रखनी चाहिए अपने आप, हैंड, जैसे हैंड वॉशिंग बोलते हैं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करने बोलते हैं, वो सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा
वो सिम्टोमेटिक होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको फीवर भी आए नहीं आए, बट उस चीज़ से डरना नहीं है हमको, और जितने अच्छे से रहेंगे आप, पॉजिटिव रहेंगे, वो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे। तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव टेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ये कहना चाहिए। ठीक है, दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी जो कोरोना वॉरियर है, वाकई में वॉरियर है, मेडिकल नर्स है ये, तो बहुत बहुत स्वागत अगेन वापस नॉर्मल दुनिया में आप दोनों का, और आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा जागरूक करेंगे, चूंकि आप इस चीज़ को पर्सनली फील करके वहाँ से निकले। ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।